गाइस ये देखिए मेरे काले चने के कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और ये किसी की बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, घर में कोई भी ओकेशन हो, बहुत टेस्टी बनता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए गाइस बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने के कबाब। इसको आप बर्थडे पार्टी पे, किटी पार्टी पे, बच्चों के टिफिन में और शाम के स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। ये है काले चने एक बाउल जितने, इसको मैंने 3 से 4 विसल अच्छी तरह उबाल लिया है। जितनी विसल आप देते हैं उससे 1-2 विसल एक्स्ट्रा देके इसको अच्छी तरह आप उबाल लीजिए। और इसमें चाहिए मुझे एक बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च की जगह मैंने इसको अच्छी तरह मैंने चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया, क्योंकि मेरे बच्चे मुंह में आती है तो नहीं खाते हैं शिमला मिर्च। आप कोई भी इसमें और वेजिटेबल डाल सकते हैं। मुझे चाहिए हल्दी, लाल मिर्च, नमक, बाइंड करने के लिए चावल का आटा, हरी मिर्च, मीठा सोडा, चाट मसाला, अजवाइन। चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। पहले गाइस पहले मैं ग्राइंडिंग जार लूंगी जिसमें मैं ये अपने काले चने जो हैं ये डाल दूंगी अच्छी तरह। इसमें मैं वैसे मेरे ऑलरेडी इतने अच्छी तरह वो हुए हैं उबले हुए, तो मुझे मैश करने में दिक्कत नहीं होगी। ग्राइंड करने में बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। और इसमें डाल दूंगी मैं अदरक, भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, अदरक डालना चाहें आप 1 इंच जितनी अदरक आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी, एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। तो मेरा पेस्ट बन के रेडी है, इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। मैंने इसको निकाल लिया है बाउल में पूरा। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने वेजिटेबल, जो भी कटी हुई सब्जियां हैं वो डाल दूंगी। इसमें आप गाजर चाहें गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी आप मनपसंद अपनी वेजिटेबल डाल सकते हैं। और इसमें डाल दूंगी चॉप किए हुए ऑनियन और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने अभी तक देखिए गाइस पानी नहीं ऐड किया है, मुझे जरूरत लगेगी तब मैं पानी ऐड करूंगी। और अगर मुझे पानी ऐड भी करना हुआ तो मैं जो काले चने जो मैंने उबाले थे उसका जो पानी है वो मैंने रख लिया था वो यूज करूंगी। अब मैं इसपे मसाले डाल दूंगी अपने, नमक डाल दूंगी। मैंने छोले उबालते समय भी नमक डाला था, इसीलिए मैं 1/2 टीस्पून जितना नमक डालूंगी अभी। लाल मिर्च डाल दूंगी, 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्च डाल दूंगी मैं। 1/4 स्पून जितनी मैं हल्दी डाल दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी मैं चाट मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालूंगी, 1 टीस्पून जितना मैंने चाट मसाला डाल दिया है। कसूरी मेथी डालूंगी थोड़ी सी, अच्छे से मिला लूंगी इसको। इसको अभी मैंने बाइंड करना है, तो बाइंड करने के लिए मैं चावल का आटा मिलाऊंगी। आप चाहो तो बेसन भी मिला सकते हैं, बेसन को भून के वो भी डाल सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स डालना चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। मैं आज चावल का आटा डालूंगी, तो अकॉर्डिंग टू मैं देखती रहूंगी जितना मुझे चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा मिला के चावल का आटा करके इसको एक अच्छा बाइंड कर लूंगी अच्छी तरह।
चावल का आटा मैंने डाल दिया है, 3 से 4 चम्मच डाला है मैंने। अच्छा पेस्ट बन चुका है, ये गाढ़ा डो बन चुका है। अब मैं इसमें बिल्कुल 3 से 4 चुटकी मैं मीठा सोडा डालूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। बिल्कुल अच्छी तरह ये मिल चुका है, इट्स रेडी है। अब मैं इसको इसके कबाब की शेप दे दूंगी। इसको आप कोई भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, सिलेंडर शेप देना चाहे, हार्ट शेप, टिक्की शेप, जो मर्जी देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं इसको छोटे छोटे बाउल की शेप में दूंगी। और इसको इस बाउल की शेप देने से पहले मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ, ऑयल लगा लेती हूँ। इसमें अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसका छोटे छोटे बॉल बनाऊंगी। और ये मैं आज इसको मैं बनाऊंगी बाउल, इसको कबाब को जो मैं बनाऊंगी वो डीप फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। तो इसको मैं अप्पा पैन में बनाऊंगी और उसी साइज के मैं इसको बाउल बनाऊंगी। जितने बॉल मेरे को चाहिए मेरे अप्पा पैन में आ सकती है, मैं उतनी ही बनाऊंगी। तो इसको मैं रेडी कर लेते हैं हम लोग। हेल्दी रेसिपी है ये, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इस तरह की रेसिपीज बनाती रहती हूँ तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बारी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। गाइस अभी मेरे इतने रेडी हो चुके हैं तो पहले मैं इन्हीं को बना लेती हूँ। मैं ले लूंगी अप्पा पैन, अप्पा पैन को मैं पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी। आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ तो मैं इसीलिए इसको आज अप्पा पैन में ही बना रही हूँ। मैंने सारा ग्रीस कर लिया है इसको। गाइस जो मैंने बाउल बनाए हैं ये मैं इसमें रखती जाऊंगी, मेरी बॉल है इसमें रख दूंगी। सारे मैंने बाउल इस ये बॉल जो है इसमें रख दिया है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। चलिए गाइस 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। अभी कच्चे हैं ये, देख लेते हैं हम। अभी कच्चा है ये हमारा, अभी इसको पकने देंगे और 2 से 3 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंट रखेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। 1 मिनट बाद मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। गाइस मेरे कुछ बनने लग गए हैं, मैं इसको पलट दूंगी, जो मेरे नीचे सीख गए हैं उनको मैं पलट दूंगी। बहुत ही सेफली आप इसको पीजिएगा, ये तो टूट जाएंगे। बहुत ही सेफली आपने इसको पलटना है। जो भी कच्चे हैं वो नहीं अपने आप में देखे नहीं पलटेंगे,
नीचे से अगर वो छोड़ दिया है उन्होंने तो इसका मतलब वो नीचे से पक चुके हैं, कच्चा है अभी तो ये नहीं पलटेगा। घुमा घुमा के आप पूरा इसको मैं ढक चेक कर लेती हूँ, 2 मिनट हो चुके हैं। मेरे कबाब बन के रेडी हैं सारे, मैं देख चुकी हूँ पूरे अच्छी तरह, मेरे सीख गए हैं। एक या दो मेरा मुझे लगता है रह गया है, वो अच्छी तरह भी नहीं हुआ है। मेरे रेडी हैं, मैं इसको टिक की हेल्प से निकालूंगी, ये मुझे इसी के साथ सर्व करने हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, तो गाइस रेडी है मेरे काले चने के कबाब, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी है ये रेसिपी। और इस तरह की रेसिपीज अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।